Okay, let me explain the poem to you. Okay, what is this? A smile. The girl is smiling, right? So the poem topic is also a smile. ठीक है, smile क्या करता है? Smile makes everyone happy. So see, the girl is smiling. How cute she is, na? So let's start. A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face. ठीक है, a smile जो होती है quite मतलब completely, पूरी तरह से. ठीक है, completely बहुत पूरी तरह से एक funny thing होती है, एक अच्छी चीज़ होती है. फनी मतलब जो हमें हंसाती है. ठीक है, डेट मेक्स अस लाफ. ओके, सो इट रिंकल्स अप योर फेस. ये हमारे चेहरे पे क्या स्मॉल लाइंस बना देती है, झुर्री बना देती है. ठीक है, झुर्री में यहाँ पे र आएगा, स्मॉल र यहाँ पे ऐसे आएगा, जो शायद मैं लिखना भूल गई हूँ. ठीक है, झुर्री दिखा, जैसे यहाँ पे इसके आपके फेस पे स्मॉल लाइंस बनी हुई है. राइट, जब आप स्माइल करते हैं तो आपके फेस पे ऐसे लाइंस बन जाती है ना, आपके माउथ के साइड में. और दैट लाइंस आर कॉल्ड रिंकल्स. तो क्या होता है, स्माइल एक बहुत फनी थिंग है. इट रिंकल्स अप योर फेस, ये आपके फेस पे लाइंस ड्रॉ करती है. नेक्स्ट, एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. एंड जब ये चली जाती है, जैसे गायब हो गई, देखो अभी है नहीं, तो अब आप इसको ढूंढ नहीं पाएंगे. ठीक है, सीक्रेट हाइडिंग प्लेस का मतलब होता है द अननोन हिडन प्लेस. ऐसी जगह, छुपी हुई जगह जो हमें पता नहीं होती. अननोन मतलब पता नहीं है, हिडन मतलब छिपी हुई जगह, प्लेस. तो ऐसी छिपी हुई प्लेस जो हमें पता नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. तो जब हमारी स्माइल गायब हो जाती है, देखिए इसकी स्माइल गायब हो गई, मिल ही नहीं रही है, हम ढूंढ रहे हैं इसको, इसकी स्माइल गायब, मिल नहीं रही है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको, बट वी हैव टू टेल हिम अ जोक. राइट, जोक से आपको हंसी आती है ना. अगेन नेक्स्ट, बट फार मोर वंडरफुल इट इज टू सी व्हाट स्माइल कैन डू. बट ये और भी अच्छा होता है देखना कि स्माइल क्या कर सकती है. देखो, स्माइल कैन मेक अ पीपल हैप्पी, और पीपल हु इज क्राइंग ही कैन स्माइल. वो हंस सकता है, अगर बच्चा अगर वो रो रहा है, रोते रोते को भी हंसा सकती है स्माइल, है ना. स्माइल क्या होता है, हमारे मन को खुश करती है, हमारे माइंड को पीस देती है, शांत करती है. इट गिव्स अस पीस टू आवर माइंड. राइट, एंड यू स्माइल एट वन, ही स्माइल्स एट यू. आप किसी की तरफ स्माइल कर रहे हैं, वो भी आपकी तरफ क्या स्माइल करेगा. स्माइल, इफ यू आर स्माइलिंग एट समबडी, सम पर्सन, द पर्सन विल अगेन स्माइल बैक एट यू. ठीक है, एंड यू बोथ द पर्सन आर स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग एट ईच अदर. राइट, एंड लास्ट, एंड सो वन स्माइल मेक्स टू. और इसीलिए क्या होता है, दो स्माइल्स क्या बनाती हैं मिलकर, दो, एक स्माइल क्या बना देती है, दो स्माइल्स बना देती है. राइट, एंड दे बोथ, दो एनिमीज को भी फ्रेंड्स बना देती है स्माइल. ठीक है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर आप किसी की तरफ स्माइल कर रहे हैं, तो एक स्माइल क्या बनाती है, दो लोगों को एक फ्रेंड्स बना देती है, एनिमीज को फ्रेंड्स बना देती है. इसीलिए क्या करना चाहिए, आपको हमेशा दूसरे लोगों की तरफ स्माइल करके बात करनी चाहिए. ठीक है, आपका फेस पे हमेशा गुस्सा नहीं होना चाहिए. यू शुड नेवर बी एंग्री, ऑलवेज इन अ एंग्री मूड. यू शुड बी, योर फेस शुड बी ऑलवेज स्माइलिंग टू एवरीवन, सो दैट द पीपल थिंक दैट यू आर अ वेरी काइंड पर्सन. आप बहुत अच्छे इंसान हैं. अगर आप किसी से स्माइल करके बात करते हैं, तो लोग सोचते हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, एंड दे विल हेल्प यू. ओके, इन एवरी सिचुएशन वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे हर सिचुएशन में. ठीक है, अगर आप किसी की तरफ स्माइल करते हैं, आप उसको बहुत इजीली अपना फ्रेंड बना सकते हैं. किसी से भी बात करके किसी को भी फ्रेंड बनाना बहुत इजी होता है. अगर आप उसको स्माइलिंग फेस के साथ बात करेंगे, आप उससे गुस्सा नहीं, यू विल नॉट शो एंगर टू हिम, एंड यू विल हेल्प हिम, यू विल कीप अ स्माइल ऑन योर फेस व्हाइल हेल्प टॉकिंग टू हिम. तो अगर आप किसी से बात करते हुए स्माइल रख रहे हैं, देन आप यू कैन मेक इज इजीली द फ्रेंड, द नेक्स्ट पर्सन योर एज योर फ्रेंड. ओके.
ओके दोस्ती करना बहुत इजी होता है. सी एज अ टीचर मेरी सभी टीचर्स से फ्रेंडशिप है बिकॉज आई एम ऑलवेज स्माइलिंग टू देम, आई एम ऑलवेज केयरिंग टू देम, आई एम नेवर बीन शोइंग माई एंगर टू देम. सो मैं अपना गुस्सा नहीं दिखाती हूँ उनको, मैं उनसे बहुत प्यार से बात करती हूँ, बहुत स्माइलिंग फेस के साथ बात करती हूँ, और इसीलिए सब मेरी तरह स्माइल करके मुझसे बात करते हैं. तो आपको भी ऐसे ही सीखना चाहिए, ठीक है. आपको हमेशा दूसरों की तरफ स्माइल करना चाहिए, तो फिर आप इनकी तरह बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओगी. ओके सो व्हाट डज इट मीन, अ स्माइल इज़ द प्रेटीएस्ट थिंग यू कैन वेयर. एक स्माइल एक ऐसी चीज़ होती है, सबसे प्यारी चीज़ होती है जो आप पहन सकती हैं, जो आप अपने अगर फेस पे पहनती हैं, आपके फेस पे अगर स्माइल रखती हैं, तो एवरी पीपल विल बी योर विद यू, विल बी योर फ्रेंड. ओके एंड नेक्स्ट लास्ट इज वी कैन, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द पोएम, व्हाट मैसेज वी गेट, वन स्माइल कांट चेंज द वर्ल्ड. एक स्माइल पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकती, हर लोगों को नहीं, बट योर स्माइल चेंजेस माइंड. बट मैं आपसे कह रही हूँ अगर आप मुझे इसमें मेरी तरफ स्माइल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरा माइंड चेंज हो जाएगा. आई इफ आई एम एंड थिंकिंग समथिंग रॉन्ग अबाउट यू एंड बट इफ यू आर स्माइलिंग एट मी एंड देन आई विल थिंक एवरीथिंग गुड अबाउट यू. ओके तो मैं कभी भी बुरा नहीं सोचूंगी आपका अगर आप मुझसे स्माइलिंग करके बात कर रहे हैं, ठीक है. तो इसलिए वन स्माइल आप भले ही बाकी दुनिया को नहीं बट ऑब्वियसली मुझे बदल सकते हैं, ये मैं बोल रही हूँ. दैट मीन्स इसका मतलब ये है आप जिस भी इंसान से स्माइल करके बात कर रहे हैं आप उस इंसान को चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज हिज माइंड और आप उस इंसान को अपना फ्रेंड बना सकते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है.